नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम पनीर को कुछ इस तरह बना रहे हैं जिसको आप एपेटाइजर के रूप में भी खा सकते हो, जिसका नाम है स्टर फ्राइड पनीर। इस एपेटाइजर को बनाने की सामग्री है बेबी कॉर्न, जिसको मैंने बारीक पतला काट के रखा हुआ है, लाल शिमला मिर्च जो कि ऑप्शनल है, हरी शिमला मिर्च मैंने क्यूब्स काट के रखे हुए हैं, हरा प्याज, अदरक, नमक, काली मिर्च पाउडर, पनीर, टोमेटो बारीक कटा हुआ, बटर और टबेस्को सॉस। हरे प्याज का सफेद पोषण भी हमें इस्तेमाल करना है। कढ़ाई चढ़ा के सबसे पहले हम बटर डालेंगे। इसको मेल्ट हो जाने देंगे थोड़ा। बटर जब मेल्ट होने लगे तब हरा प्याज का ये सफेद पोषण डाल दीजिए। इसको अच्छे से चला लेना है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर लेना है इसको। जैसा प्याज मुझे चाहिए वैसा कुक हो चुका है। इसमें अब हम डालेंगे टमाटर, इसको थोड़ा सा पका लेंगे। टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है, इसमें अब हम डालेंगे बेबी कॉर्न और ये अदरक। इसी समय डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और काली मिर्च। अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको पकने देंगे ढककर। 5 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हरी शिमला मिर्च और लाल शिमला मिर्च। 2 मिनट तक इसको कुक करेंगे। इसको बहुत ज्यादा गलाना नहीं है, थोड़ा क्रिस्पी रखना है। 2 मिनट के बाद इसमें डालते हैं हरा प्याज। इसको अच्छे से चला लेना है। इसको भी 1 मिनट तक अच्छे से चला लीजिए। हरे प्याज को 1 मिनट तक पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे पनीर। अब इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें अब हम डालेंगे टबेस्को सॉस। ये स्पाइसी होती है इसीलिए इसको ध्यान से डालिएगा। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, टेस्ट करके देख लीजिएगा। आपको टबेस्को सॉस और ऐड करनी है तो आप मिला सकते हो बाद में। ये पनीर एपेटाइजर तैयार हो गया है। गैस बंद कर देते हैं। सर्व करने से पहले इसको 10 मिनट तक ढक के रख दीजिए। ये लीजिए, बहुत ही टेस्टी जबरदस्त पनीर एपेटाइजर तैयार है। एंजॉय कीजिए।